हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि बढ़िया होंगे। और आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं कि आप इसरो में साइंटिस्ट कैसे बन सकते हैं। बच्चे 10th और 12th करने के बाद ये सोचने लगते हैं कि कैसे वो इसरो को ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो अपनी 10वीं और 12वीं की कक्षा तक आते आते अंतरिक्ष में काफी रुचि लेने लगते हैं। और हो भी क्यों ना, आखिर साइंस सब्जेक्ट होता ही ऐसा है। इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि इसरो में जाने के लिए आपको कौन से सब्जेक्ट पर ज्यादा ध्यान देना होगा, कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना होगा, इसके लिए आपको क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए और क्या इसके लिए आपको अलग से एग्जाम देना होगा। इन सारे सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में आप सभी को हम देने वाले हैं, तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। आइए इससे पहले जान लेते हैं कि इसरो क्या है। तो आपको बता दें कि इसरो का पूरा नाम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। यह इंडिया की अंतरिक्ष एजेंसी है जिसका काम भारत को अंतरिक्ष विज्ञान में नई ऊंचाइयों तक ले जाना है। इसरो भारत और दुनिया भर के सैटेलाइट को अंतरिक्ष में पहुंचाने और अंतरिक्ष के बारे में जानने व उन पे रिसर्च करने का काम करती है। इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। इसरो की स्थापना साइंटिस्ट डॉक्टर विक्रम साराभाई और भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। शुरुआत से लेकर अब तक इसरो ने बहुत ही बढ़िया काम करके भारत का नाम दुनिया भर में रोशन किया है और आज इसरो दुनिया की टॉप स्पेस एजेंसी में आता है। स्पेस से जुड़े हुए सभी काम भारत के लिए इसरो करता है। वैसे तो इसरो ज्वाइन करने के लिए कई तरीके होते हैं, लेकिन इसरो में साइंटिस्ट बनने के लिए मैं यहाँ आपको 3 तरीके बताने वाली हूँ। नंबर 1, IIST यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी। जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है कि ये संस्थाएं अंतरिक्ष से जुड़ी है, मतलब कि इसरो में अगर आप जाना चाहते हो तो आपको IIST में एडमिशन लेना होगा। अब यहाँ सवाल आता है कि IIST में एडमिशन कैसे ले। IIST में एडमिशन लेने के लिए आपको 12th साइंस और मैथ के साथ कम्प्लीट करनी होती है। इसके बाद आपको JEE का एग्जाम देना होता है, जो एक कठिन एग्जाम होता है। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आप आसानी से इसे निकाल सकते हैं। JEE एक एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसे NTA द्वारा पूरे भारत में कंडक्ट कराया जाता है, जिसके जरिए आप अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। इस एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं और आपको इनमें से कम 60% अंक लाना जरूरी है, क्योंकि आपके रैंक के अनुसार आपका एडमिशन IIST में हो पाएगा। इसका एडमिशन IIST में हो जाने के बाद आपको यहाँ 4 साल का BTEC करना होगा या फिर 5 साल का ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम, जिसमें आपको लगभग 7.5 CGPA लाना होता है। और ये करने के बाद जब भी इसरो की वैकेंसी निकलती आपको हायर कर लिया जाता है। लगभग सभी IIST के स्टूडेंट को ये जॉब मिल जाती है। IIST में एडमिशन लेने के लिए पूरी जानकारी आप www.iist.ac.in पर देख सकते हैं। नंबर 2, इसरो डायरेक्ट इंटरव्यू। अगर आपने अपनी पढ़ाई इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट से की है, जैसे कि IIT या NIT में, तो भी आप इसरो में साइंटिस्ट बन सकते हैं। इसके लिए इसरो द्वारा इंटरव्यू कंडक्ट कराए जाते हैं, जिसमें अगर आप पास हो जाते हो तो आपको इसरो में साइंटिस्ट की जॉब मिल सकती है। इसरो IIT और NIT के होनहार स्टूडेंट को मौका देता है कि वो भी साइंटिस्ट बन सके। नंबर 3, इसरो एग्जाम्स। इसके अलावा इसरो हर साल एग्जाम भी कंडक्ट कराता है, जिससे ICRB कहते हैं। ये एग्जाम इलेक्ट्रॉनिकल, मैकेनिकल और कंप्यूटर तीनों कैटेगरी में कराया जाता है। आप बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ साइंस, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी करने के बाद इस एग्जाम को दे सकते हैं। इस एग्जाम को देने के लिए एक शर्त है कि आपको 10th से लेकर जहां तक आप पढ़े हो आपको 65% से ज्यादा अंक मेंटेन करना होता है और कॉलेज में आपको स्कोर 6.84 CGPA होना चाहिए। अगर आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली हो तो ही आप इस एग्जाम को दे सकते हो, लेकिन ध्यान रहे, फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट इस एग्जाम को नहीं दे सकते। अब आइए बात कर लेते हैं कि साइंटिस्ट बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। साइंटिस्ट बनने के लिए कोई खास कोर्स या विषय नहीं है। इसके लिए आपको 10वीं में मैथ और साइंस से 12th पास करनी होती है और आपको इसके लिए 65% से ऊपर स्कोर करना जरूरी होता है। और इसके आगे की पढ़ाई में आपको इंजीनियरिंग, PhD और ग्रेजुएशन में भी 65 स्कोर्स आपको मेंटेन करके रखना पड़ता है। इसके बाद आप टाइम टू टाइम निकलने वाली वैकेंसीज जो साइंटिस्ट के लिए होती है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वैसे तो हर साल जनवरी में वैकेंसी निकलती है और ज्यादा जानकारी के लिए आप इसरो करियर पर जाकर देख सकते हैं। साइंटिस्ट बनने के लिए कोई उम्र नहीं होती है, इसके लिए आप किसी भी उम्र में अप्लाई कर सकते हैं। अब आइए बात करते हैं कि साइंटिस्ट की सैलरीज कितनी होती है। स्पेस ऑर्गेनाइजेशन इसरो में सैलरी बहुत अच्छी होती है। जैसे कि ये गवर्नमेंट जॉब है तो सरकार की तरफ से भी काफी फैसिलिटीज मिलती है।
साइंटिस्ट को सैलरी उनकी पोस्ट के आधार पर मिलता है। फ्रेशर स्टूडेंट को 25,000 रुपए तक स्टार्टिंग में मिल जाती है और फिर पोस्ट वॉक एक्सपीरियंस के साथ साथ ये 1.5 लाख रुपए तक जा सकती है। सैलरी के अतिरिक्त उन्हें हाउस ट्रांसपोर्ट की सुविधा दी जाती है। मेडिकल की सुविधा कर्मचारी और उनके पूरे परिवार को प्रदान की जाती है। दोस्तों, ये थी साइंटिस्ट बनने की पूरी प्रक्रिया। उम्मीद करती हूँ कि आपको पूरा वीडियो देखने के बाद पता चल गया होगा कि इसरो में साइंटिस्ट कैसे बन सकते। IISt में एडमिशन लेकर आप आसानी से साइंटिस्ट बन सकते हैं। इसके अलावा इंडिया में किसी भी कॉलेज से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद आप इसरो में अपना फ्यूचर बना सकते हैं। लेकिन फिर भी हम आपको कुछ ऐसे कॉलेजेस के नाम स्क्रीन पर दिखाने वाले हैं जो साइंटिस्ट बनने में आपकी मदद कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।